हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बच्चों? पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया, एकदम मस्त चल रही बच्चों। तो बेटा, हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अगले वीडियो पर आ चुके हैं। देखो बच्चों, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, शुरू से पढ़िए। कहाँ मिलेंगे जाइए, रियल एनालिसिस बाय HD मैथमेटिक्स पे जाइए, आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के सारे वीडियो एक साथ मिलेंगे। हाँ, पहले आपको स्टार्टिंग में कुछ सीक्वेंस के वीडियो मिलेंगे, सीक्वेंस के बाद आपको रीमन इंटीग्रेशन के वीडियो मिलेंगे, फिर आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के वीडियो मिलेंगे। हो सकता है इन फ्यूचर मैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की एक अलग प्लेलिस्ट बना दूं। लिख दीजिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस बाय HD मैथमेटिक्स, निकल के आ जाएगा। पुराने सारे वीडियोज बेटा पढ़ लीजिए, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप आगे नहीं समझ सकते। और भी बेटा बहुत सारे टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, ग्रुप थ्योरी है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, टोपोलॉजी है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, जो भी आपको चाहिए सर्च करिए, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। क्लास 11, 12 और IIT लेवल से मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, उसके वीडियो सारे अपलोडेड हैं। क्लास 12 का वीडियो चाहिए तो लिखिए फंक्शन ऑफ क्लास 12 बैच डी मैथमेटिक्स, मिल जाएगा। लिखिए थ्री डायमेंशन ऑफ क्लास 12 बैच डी मैथमेटिक्स, मिल जाएगा। लिखिए अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्लास 12 बैच डी मैथमेटिक्स, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब लिखना सीखिए, प्लेलिस्ट पे जाके सर्च करना सीखिए, सब कुछ आपको मिलेगा और सब कुछ फ्री है। चलिए बच्चों, हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की आज और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अभी हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में बेटा शॉर्टकट मेथड सीख रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्टकट में कैसे निकाले जाएं। मैंने बताया था बच्चों, शॉर्टकट मेथड अपने BSc MSc के कोर्स में नहीं लगाना है, ये ऑब्जेक्टिव सवालों में लगाना है। जहां पर भी सब्जेक्टिव पेपर आएगा वहां शॉर्टकट मेथड ना लगाना। अभी सब्जेक्टिव पेपर के लिए मैं आपको तरीके बताऊंगा, वो भी आपको समझ में आएंगे, टेंशन नहीं करनी। पहले शॉर्टकट समझो, फिर लॉन्ग कट भी समझेंगे। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं आज एक और अच्छे क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास ये है। मान लीजिए मेरे पास ये FnX है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है n²x/1+n³x² और इंटरवल दिया गया है x from 0 to 1। देखो ऐसे करके ही दिया गया है ना बच्चों। ये मेरे पास देखो बेटा एक फंक्शन है n²x/1+n³x², देखो बच्चों हमें देखना है कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा या फिर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगा। बड़ा आसान होता है, मैंने बताया था, पहले एंड पॉइंट को चेक किया करो। जैसे कि x को 0 रखें तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तुरंत जीरो हो जाएगी, 0/1+0 यानी कि 0। तो देखो ये 0 पॉइंट हमेशा प्रॉब्लम करेगा, जिस पर वैल्यू रखते ही एक्स अचानक एन खत्म हो जाता है और फंक्शन की कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। ऐसे पॉइंट हमेशा ही डेंजरस होते हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में दिक्कत पैदा करते हैं। अच्छा बाकी पॉइंट देखो, एक्स को 1 रखोगे तो वैल्यू कुछ कांस्टेंट नहीं आएगी, उसमें एन बचा रहेगा। इसके अलावा कुछ भी रखोगे तो वैल्यू कांस्टेंट नहीं आएगी। तो इसका मतलब अब हम निकालते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर लिमिट। ये सब चीज़ें आप बहुत बार कर चुके हो, बहुत बार सीख चुके हो और बहुत सारे क्वेश्चन बेटा मैंने आपको कराए हैं। अब तक कम से कम 40-50 क्वेश्चन तो मैं आपको करा ही चुका हूँगा आराम से। ऐसे है देखो, अब देखो यहाँ मैंने क्या बताया था आपको कि ये n को रखोगे इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। ऐसी फॉर्म से निपटने के दो तरीके होते हैं, लॉपिटल लगाइए या n की सबसे बड़ी पावर से डिवाइड करिए। तो हम यहाँ पर n की सबसे बड़ी पावर से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर n में पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब n², n³, n इस टाइप के टर्म है, तो सबसे बड़ी पावर से डिवाइड करना हमेशा फायदेमंद रहता है। तो n³ से डिवाइड कर दूँ क्योंकि n³ ऊपर नीचे मिला के सबसे बड़ी पावर है। ठीक है, अच्छा n³ से डिवाइड किया, ऊपर एक्स वाई एन आया, नीचे क्या हुआ 1/n³ आया, और n³ से डिवाइड किया x² आया। अब n को रखोगे इन्फिनिटी, एक्स को हम जीरो तो मान नहीं रहे, यहाँ पर एक्स को जीरो हमने अलग ले लिया, एक्स को एन को रखोगे इन्फिनिटी तो क्या होगा, जीरो, क्योंकि एनीथिंग, क्योंकि एक्स यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप एक्स को जीरो नहीं लोगे तो एक्स क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। और 1/∞ क्या हो गया, 0+x² आ गया, तो फाइनली क्या आ गया, जीरो आ गया, है ना, क्योंकि एक्स जीरो नहीं है। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर रहे हैं FnX, देखो ये वैल्यू क्या आ रही है, देखो ये वैल्यू जीरो आ रही है, जीरो कब आ रही है, जब x बराबर जीरो है, और ये वैल्यू जीरो आ रही है जब x 0 और 1 के बीच में है। तो देखो यहाँ पर वैल्यू सेम आई है, तो इसलिए अभी हम किसी भी पॉइंट को कंफर्म नहीं कह पा रहे हैं कि किस पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा किस पर नहीं। वैल्यू अलग आती तो कहते भाई यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, एक्स बराबर जीरो ही पॉइंट शक के दायरे में है, तो उस पर हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस शॉर्टकट तरीके से चेक करेंगे। क्या तरीका होता है, एक्स को वेरी स्मॉल मानो, यहां तक सब कुछ ऐसे ही करो, यहां तक सब कुछ देखो ऐसे ही करो, बिल्कुल ऐसे ही लिमिट निकालो,
है ना। अब लास्ट में आकर क्या करना होगा, जैसे यहां पर मैंने क्या किया था, x जब हम ये कर रहे थे तो हमने x को 0 और 1 के बीच में माना था, यानी अब हम x को 0 ले ही नहीं रहे थे, लेकिन अब हम जब ये करते हैं तो लास्ट में जो x बच जाता है, देखो जैसे ये x तो n के साथ था, ये चला गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको तो स्मॉल ही मानेंगे, लेकिन जो x खाली बच जाता है उसकी वैल्यू रखते हैं। तो हम इस मेथड से करेंगे, तो यहां पर आने के बाद जब ये टर्म बचेगा तो इसमें हम x को रख देंगे 0, तो क्या होगा 0/0 फॉर्म देखो बन जाएगी, और 0/0 फॉर्म क्या हो गई, अनडिफाइंड, इसका मतलब x बराबर 0 पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है, x बराबर 0 पर क्या है बोलो, नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। इसका मतलब ये हुआ इस पूरे इंटरवल पर भी यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि 0 पर नहीं तो पूरे इंटरवल पर भी नहीं, नॉट यूनिफॉर्म, और हाँ पूरे इंटरवल पर पॉइंट वाइज है, पॉइंट वाइज में कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट वाइज का मतलब लिमिट निकल आए, हर जगह लिमिट निकल रही है तो हम कहेंगे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, यूनिफॉर्म नहीं है कहां पर, x बराबर 0 पर, तो पूरे इंटरवल पर भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं कहा जाए। काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बेटा हम लोगों ने कई अब तक कर लिए हैं, लिखो जल्दी फटाफट। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, ऐसा गजब नहीं ढाना पिया जब जाना बिदसवारे, देखो ध्यान दो बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, देखा जाए एफ एन एक्स क्या होगा, ये होगा x की पावर n माइनस वन, वन माइनस एक्स, और x दिया गया है क्लोज 0 1 के बीच में, ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल 0 1 कि इक्वल है ना, इक्वल का मतलब क्या होता है क्लोज इंटरवल है ना, दोनों तरफ इक्वल है इसका मतलब क्लोज इंटरवल, इसको शामिल कर रहे हैं, 0 भी लेना 1 भी लेना, अगर ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल है ना, इसको ऐसे लिखते हैं कि मतलब 0 1 को शामिल नहीं कर रहा, ऐसा भी हो सकता है एक तरफ क्लोज हो एक तरफ ओपन हो, सब छोटी मोटी बातें आप जानते हो बता देता हूं ऐसे कभी कभार, खैर चलो अब देखो कौन कौन से पॉइंट प्रॉब्लम करेंगे, जैसे x को रखो 0, x को रखेंगे 0 तो एफ एन एक्स क्या होगा 0 इंटू समथिंग 0, x को रखेंगे 1 तो एफ एन एक्स क्या होगा, देखो ये तो 1 हो जाएगा लेकिन ये 0 हो जाएगा, तो देखो ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं जहां पर फंक्शन की कुछ तुरंत कांस्टेंट वैल्यू आ गई, तो मतलब ये दोनों ही पॉइंट हमारे प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम x को 0 और 1 के बीच में लेते हैं तो कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि फंक्शन की वैल्यू कुछ कॉन्स्टेंट आ जाए, है ना, इसके अलावा कहीं पर नहीं, देखो अगर हम x को 0 और 1 के बीच में लें और लिमिट निकालें फंक्शन की, फंक्शन की लिमिट निकालें तो क्या होगा, देखो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये क्या हुआ x की पावर n माइनस वन, वन माइनस, देखो ये क्या होगा, x को 0 1 के बीच में लिया तो ये पावर क्या है इन्फिनिटी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, देखो ये x अगर 0 1 के बीच में है और x की पावर n है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो वैल्यू हमेशा 0 होगी, ये बात कितनी बार मैं समझा चुका हूँ आपको, तो ये क्या हो गया 0 क्योंकि इन्फिनिटी माइनस वन इन्फिनिटी ही होगा तो ये वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब देखो ये हुआ अगर हम लिमिट निकाल रहे हैं एफ एन एक्स की एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, एक्स बराबर 0 पर भी देखो वैल्यू 0 है क्योंकि देखो यहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, अगर आप इसकी लिमिट लोगे तो आंसर 0 ही आएगा, और यहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, अगर आप इसकी लिमिट लोगे तब भी आंसर 0 ही आएगा, तो 1 पर भी आंसर 0 है और 0 पर भी आंसर 0 है और 0 और 1 के बीच में भी आंसर 0 है, तो देखो किसी भी पॉइंट पर वैल्यू अलग नहीं है, तो यहां से अभी हम कुछ नहीं कह पाए कि कहां पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा कहां पर नहीं, क्योंकि हर जगह देखो वैल्यू फंक्शन की सेम ही आ रही है, अगर वैल्यू अलग अलग आती तो हम कह सकते कि भाई यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। अब करना क्या है, देखो 0 और 1 दो पॉइंट शक के दायरे में हमारे आ रहे हैं, इन दोनों पॉइंट पर हमें चेक करना है 0 पर और 1 पर, देखो क्या करना होगा, जैसे कि अगर हम x को 0 पर चेक करना चाहते हैं तो x को वेरी स्मॉल मान लें, 0 के बहुत करीब मान लें, 0 के बहुत करीब मानने का मतलब x को पॉजिटिव ही मानेंगे क्योंकि x की वैल्यू क्या है 0 1 के बीच में,
है ना, जीरो के बहुत करीब मानने का मतलब ये नहीं कि तुम एक्स को निगेटिव ले लोगे, निगेटिव नहीं, एक्स को जीरो और वन के बीच में हम मानेंगे। देखो ध्यान दो, अब क्या होगा, एक्स को जीरो वन के बीच माना, देखो क्या होगा, अरे ये एक्स तो एन के साथ ही है तो ये तो पॉजिटिव ही माना जाएगा, पॉजिटिव की पावर इन्फिनिटी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसका भी आंसर अगर हम एक्स टेंडिंग टू जीरो पर लेंगे, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, तो क्या होगा, देखो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स जो एन के साथ में है उसे अलग नहीं कर सकते, मैंने बताया जो एक्स एन के साथ होता है उसे हमेशा स्मॉल ही मानते हैं, स्मॉल का मतलब जीरो से बड़ा, तो ये जीरो हो गया और वन माइनस एक्स बचा। अब अगर हम एक्स को जीरो रखेंगे भी तब भी आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब जीरो पॉइंट जो है ये जीरो पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, इसका मतलब जीरो पर जो है ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, जीरो पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। अब देखो वन को देखा जाए, अगर हम x को वेरी स्मॉल माने, वन के बहुत करीब माने, अब हम x को वन के बहुत करीब मानेंगे, वन के बहुत करीब मानने का मतलब वन से छोटा मानेंगे, क्योंकि हमारा इंटरवल ये है ना जीरो वन के बीच में, वन के बहुत करीब मानने का मतलब वन के बाहर नहीं निकल जाना, वन से बहुत छोटा, वन के बहुत करीब मतलब 0.99 ऐसा कुछ समझ लो आप। तो क्या होगा, देखो अगर ये टर्म वन के करीब है लेकिन है वन से छोटा, अब देखो इसी लिमिट से फिर हम करेंगे, तो ये क्या होगा बच्चों, ये टर्म वन से बहुत छोटा है और पावर इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना, ऐसे एक्स की पावर एन माइनस वन वन माइनस एक्स है, तो क्या होगा, देखो ये जो है ये हमारा एक्स जो है वो वन से बहुत छोटा, वन के करीब है, वन से छोटा है, वन से छोटा है एक्स, तो वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि एक्स वन से छोटा है और पावर इन्फिनिटी तो वैल्यू जीरो। अब क्या बचा, वन माइनस एक्स बचा, अब इसमें एक्स को वन रखो तो क्या हुआ, जीरो, वन माइनस वन देखो फिर जीरो, इसका मतलब वन भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, इसका मतलब एक्स बराबर वन पर भी ये क्या है बोलो, यूनिफॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ, ये पूरे के पूरे बोलो इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, ना तो जीरो प्रॉब्लम कर रहा है ना वन प्रॉब्लम कर रहा है, इसका मतलब ये पूरे गैप में कैसा है बोलो, यूनिफॉर्म है, और इसीलिए पॉइंट वाइज भी है, जो यूनिफॉर्म होते हैं वो हमेशा ही पॉइंट वाइज होते ही होते हैं, आपको मालूम होगा, है ना। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब यही सब क्वेश्चन अगर हम डिटेल मेथड से करेंगे ना तो 15-15 मिनट लगते हैं बेटा, और यही सब क्वेश्चन आप चुटकियों में निकाले जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो बेटा हो गई आपकी बल्ले बल्ले। अब आपको टेंशन नहीं, कोई भी क्वेश्चन किताब उठाइए, ऑब्जेक्टिव को फटाफट इन तरीकों से कर डालिए, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, सब हो गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, लिखो जरा जल्दी से फटाफट इसको, मैं आपको आगे बताता हूं। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। देखो ये रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, सर पे है वो सीने में आग, लब पे धुआं है जानों, फिर भी ये गा रही है नगमे सुना। देखो बच्चों ये क्वेश्चन अपने पास है, ठीक है, जीरो टू इन्फिनिटी यहां पर हमें जाना है। देखो अगर हम x को रखेंगे जीरो तो एफ एन एक्स क्या होगा, e की पावर जीरो यानी कि वन, वैल्यू कांस्टेंट आ गई, जीरो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके अलावा सोचो x की कुछ और वैल्यू रखने पर क्या ये कांस्टेंट होगा, नहीं होगा। अगर हम रखें x को जीरो टू इन्फिनिटी, बाकी केसेस ले लें तो क्या होगा, लिमिट देखो ध्यान रखना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x ग्रेटर इक्वल टू जीरो, मतलब वही है कि जीरो से बड़ा सब कुछ, सब कुछ का मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोज जीरो इन्फिनिटी ओपन, इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन रहता है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर हमेशा ही ओपन रहता है, क्योंकि आप इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को शामिल नहीं कर सकते, बस समझे। खैर चलिए, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या होगा, ई की पावर माइनस एन एक्स, देखो क्या होगा, एन को अगर हम इन्फिनिटी रखेंगे तो ये बनेगा एक्स तो पॉजिटिव है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, देखो मैंने बताया था
की पावर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, ये चीजें बेटा ग्राफ से ही निकाल सकते हो, या तुम ऐसे समझ लो e क्या है, देखो 1 से बड़ा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर इंफिनिटी, और e क्या है 1 से बड़ा, e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.71 कुछ होती है। पेन चल नहीं रहा, अच्छे से इसको रख देते हैं बंद करके, रेड पेन यार नया लाना पड़ेगा, खराब हो गया ये, जाने दो। तो ये 1 से बड़ा है, और 1 से बड़े की पावर इंफिनिटी तो वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी। देखो अगर अंदर का टर्म 1 से बड़ा है और पावर है इंफिनिटी, तो वैल्यू हमेशा क्या होती है, इंफिनिटी। तो ये 1 बाय इंफिनिटी क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना। ऐसे भी समझ सकते हैं, या ग्राफ से भी देखो, अगर एक्स को माइनस इंफिनिटी लाओगे तो देखो फंक्शन कहां जा रहा है, ऑलमोस्ट एक्स एक्सिस का मतलब वाई की वैल्यू जीरो के पास, ऑलमोस्ट एक्स एक्सिस से मिल रहा है। अगर आप एक्स को माइनस इंफिनिटी लाओगे, ये हमारा ओरिजिन है, तो फंक्शन ऑलमोस्ट एक्स एक्सिस से मिल रहा है, एक्स एक्सिस से मिलने का मतलब वाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट जीरो है ना। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, हाँ अगर x को इन्फिनिटी ले जाओगे, फंक्शन भी ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का मतलब वो भी इन्फिनिटी पर जाएगा, ठीक है। तो खैर यहाँ से देखो, जो हमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स मिला, वो क्या मिला, वो मिला x बराबर जीरो पर वैल्यू 1 हो गई, और x अगर 0 टू इन्फिनिटी है तो वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 0 हो गई, ऐसे मिला। इसका मतलब देखो बच्चों ये हुआ कि x बराबर 0 पॉइंट पर देखो वैल्यू अलग है, बाकी ऊपर सेम है, इसका मतलब 0 पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0 पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर किसी मेथड की जरूरत ही नहीं पड़ी, नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, क्योंकि देखो x बराबर 0 पर वैल्यू अलग है, बाकी ऊपर अलग है, तो नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, कहां पर 0 पर, तो इसीलिए पूरे इंटरवल पर भी नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। हाँ लेकिन पॉइंट वाइज है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है लेकिन पॉइंट वाइज है, पॉइंट वाइज का मतलब लिमिट का आंसर आए, आ गया, कुछ फाइनाइट आंसर आए तो आ गया, चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी ले, चाहे आंसर अलग अलग आए, चाहे सेम आए, आंसर आ गया, इसका मतलब पॉइंट वाइज है। तो देखो ये हमारा पॉइंट वाइज हो गया, लेकिन पूरे इंटरवल पर यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि एक्स बराबर जीरो पर ये यूनिफॉर्म नहीं है, बात समझे। तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, लिखो जरा फटाफट, जल्दी से फटाफट लिख लो, दौड़ दौड़ के लिख लो। हो नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल घर बना के पाँव में बांध ले, फिर मेहरबान हमें ऐसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। देखो ध्यान दो बच्चों, एफ एन एक्स दिया, एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स है, और एक्स है फिर वही ग्रेटर इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक है। क्या समस्या आएगी, देखो एक्स बराबर जीरो पर देखा जाए तो एक्स जीरो इंटू ई की पावर जीरो, तो वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया, है ना। ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ यार, हाँ जिसमें मैं गलती से 0/1 को 1 लिख गया था ना, अरे वही सवाल तो है यार, अरे और क्या, वही तो है यार, तुम कर चुके हो पहले इस क्वेश्चन को, जिसमें मैं गलती 0/1 को लिख गया था ना, पर हाँ मैं करा चुका हूँ, छोड़ो इसको, कर लोगे आसान है। देखो हम लोग आगे एक और अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात समझो, हालांकि अब जो मैं क्वेश्चन तुमको कराने जा रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, लेकिन आते हैं। देखो जैसे क्या होता है, अगर मान लो मैं क्वेश्चन लेता हूं एफ एन एक्स बराबर एन एक्स अपॉन एन प्लस 1, और इंटरवल लेता हूं मान लीजिए 0 से इंफिनिटी तक, ये इंटरवल मान लो मैंने लिया, एक्स को 0 मैंने लिया ही नहीं, चलो 0 को ले लेते हैं, क्लोज कर देते हैं, चलो देखो अब इसमें क्या हुआ, एक्स बराबर 0 पर तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई, ठीक, लेकिन अगर हम x को 0 ना लें तो देखो क्या होगा, लिमिट निकालें, x को 0 ना लें और लिमिट निकालें तो क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ दिस, देखो अब ध्यान दो n को रखोगे इंफिनिटी तो ये इंफिनिटी, ये बात जरूर चेक करना कि क्या फॉर्म बन रही
है ना। जैसे कि मान लो अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, एक बार ऐसे भी हुआ था, कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए थे, x अपॉन n प्लस 1 है, तो अब n से डिवाइड नहीं करना क्योंकि अब इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म थोड़ी है, अब क्या है x अपॉन इंफिनिटी है, तो x अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी थोड़ी है ना, ऊपर n तो है ही नहीं ना, तो ये बात ध्यान रखना कि इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म बनेगी तभी हम कुछ डिवाइड डिवाइड या लॉपिटल लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ये सब लिमिट के बेटा फंडे हैं। देखो n टेंडिंग टू इंफिनिटी करोगे तो क्या होगा, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बनी, ठीक बनी, कोई बात नहीं। अब क्या करें, n की सबसे बड़ी पावर से डिवाइड कर दें, सबसे बड़ी पावर क्या है, n ही है, तो x अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n हो गया, ठीक, n की सबसे बड़ी पावर n है, n को रखोगे इंफिनिटी तो क्या आएगा, 1 प्लस 0 यानी कि x आ गया। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग केस बना जो अभी तक हमने जितने सवाल किए थे उनमें से कभी नहीं बना था। देखो ध्यान दो क्या हो रहा है बच्चों, x बराबर 0 पर तो आंसर 0 है, लेकिन x 0 से इंफिनिटी है तो इसकी वैल्यू x है। अब जरा ये बात समझो ध्यान से, देखो अब इसमें क्या हुआ, ठीक है 0 पर वैल्यू 0 है, अगर x को 1 लेंगे तो आंसर 1 आएगा, x को 2 लेंगे तो आंसर 2 आएगा, x को 3 लेंगे तो आंसर 3 आएगा, हर पॉइंट पर आंसर अलग अलग है। तो अब यहां पर अब तक हमने जो शॉर्टकट तरीके सीखे वो नहीं चलेंगे, है ना, क्योंकि यहां तो हर पॉइंट पर वैल्यू अलग अलग, क्या करोगे कैसे करोगे, बड़ी समस्या आ गई। वैसे अभी तक वैल्यू कांस्टेंट हुआ करती थी, अगर यहां जीरो थी तो यहां भी जीरो आती थी, यहां यहां कुछ बन आती थी, या टू कुछ भी कांस्टेंट आया करती थी दोनों जगह वैल्यू। इसमें क्या हुआ, अकेला अब देखो अकेला नहीं, अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैं आगे कराऊंगा जिसमें शॉर्टकट नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि देखो तो यहाँ पर ये आंसर में x आ गया, अब ये x पर डिपेंड करेगा, x को 1 लोगे तो आंसर 1, 2 लोगे तो आंसर 2, 3 लोगे तो 3, 1.2 लोगे तो 1.2। तो इसमें अब शॉर्टकट मेथड नहीं चलेगा, ध्यान रखना। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें सीखना है लॉन्ग कट मेथड। लॉन्ग कट मेथड का मतलब वही जो, अब देखो जो लॉन्ग कट मेथड है ये हर जगह लगते हैं, जरूरी नहीं इसमें लगे, वो इसमें भी लगेंगे। लॉन्ग कट मेथड जो है ये तुमको मैं 2-3 मेथड सिखाऊंगा, अभी अगली क्लास में सिखाऊंगा, आज मैंने बताया किसकी जरूरत क्यों है। लॉन्ग कट मेथड हर जगह लगेगा, इन केसेस मतलब इसमें भी लगेगा और जहां पर वैल्यू कांस्टेंट आ रही थी उसमें भी लगेगा। लॉन्ग कट मेथड सब सवालों में लगेंगे, 2-3 मेथड है तो किसी में कोई लगता है, किसी में कोई लगता है, किसी में 2-3 मेथड भी लग जाते हैं, वो डिपेंड करता थोड़ी प्रैक्टिस के बाद समझ में आता है किसमें क्या मेथड लगाना, वो मैं सब तुमको सिखाऊंगा धीरे धीरे करके। तो ध्यान रखना बेटा लॉन्ग कट मेथड की जरूरत क्यों पड़ी, वो इसलिए पड़ी क्योंकि देखो यहाँ पर x की पर ये लिमिट डिपेंड कर गई, अगर हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर लिमिट निकाल रहे हैं तो देखो ये x पर डिपेंड कर रही है, इसमें कांस्टेंट नहीं आ रहा। तो अब हमें कुछ डिटेल मेथड सीखने हैं जो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, और वहां पर अब यहां पर इस सवाल में अभी तक जो हम शॉर्टकट तरीके पढ़ रहे थे वो नहीं चलेंगे, ध्यान रखना, ये बस समझो ध्यान से। तो इसीलिए लॉन्ग कट मेथड कुछ सवालों में चाहिए होता है, जैसे कि मैक्सिमम सवाल आप देखना आपको वही मिलेंगे जो अब तक हमने किए हैं, एक आध सवाल ऐसे होंगे जो इस टाइप के होंगे जहां पर ये शॉर्टकट मेथड नहीं चलेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग कट मेथड में आपको अब समझाने जा रहा हूं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भाई लॉन्ग कट मेथड हम कैसे लगाएं, लॉन्ग कट या डिटेल जो आपको बीएससी में सी में लगाने हैं, जैसे जब भी सब्जेक्टिव पेपर होगा तो आपको वही लॉन्ग कट मेथड जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे उनको लगाना है। देखो जैसे मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ, जैसे कि मान लो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, सौ साल जीने की उम्मीदों जैसा। देखो ध्यान दो ये सवाल अपने पास है, मान लो अब देखो इसमें क्या हो, x को जीरो रखा तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो प्लस जीरो यानी कि जीरो, नो टेंशन। x को वन रखा तो वैल्यू क्या आएगी, देखो x को वन रखो तो वन प्लस वन की पावर एनीथिंग वन, तो आंसर टू आ गया। लेकिन अगर हम x को 0 और 1 के बीच में लें तो क्या होगा, देखो अब हमें लिमिट निकालना पड़ेगा क्योंकि x को 0 1 के बीच में लेने से वैल्यू कांस्टेंट तो आ नहीं रही,
एक्स को जीरो वन के बीच में लेने से वैल्यू कॉन्स्टेंट तो नहीं आ रही, देखो उसमें एन रहेगा ही रहेगा। ऐसे मान लो अगर मैं एक्स को हाफ ले लूँ तो क्या होगा, हाफ प्लस हाफ की पावर एन, अब देखो इसमें एन आ रहा है, वैल्यू कुछ कॉन्स्टेंट तो नहीं है, वह एन पर डिपेंड कर रही। तो ऐसे में लिमिट लेते हैं हमेशा, तो लिमिट लिया एक्स प्लस एक्स की पावर एन, तो एक्स को जीरो वन के बीच में लिया मतलब कुछ भी लिया वो तो एक्स ही है, और ये टर्म देखो जीरो वन के बीच में है पावर इनफिनिटी तो वैल्यू जीरो, देखो ये आंसर एक्स आ गया क्योंकि एक्स की वैल्यू पता तो है नहीं क्या, वो जीरो वन के बीच में। तो इसका मतलब देखो ये हुआ यहाँ पर कि एफ एन एक्स की जो लिमिट है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, देखो ये क्या है, ये जीरो है अगर एक्स को जीरो लिया, ये टू आंसर है अगर एक्स को वन लिया, और अगर हमने एक्स को जीरो और वन के बीच में लिया तो देखो ये आंसर इसका एक्स है। अब देखो यहाँ पर भी वही चीज है कि जो हमारा आंसर आया लिमिट का, जो हमारा लिमिट फंक्शन आया, इसको हम लिमिट फंक्शन कहते हैं, मैंने बताया था, वो एक्स पर डिपेंड कर रहा है ना, हालांकि ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, लेकिन बाकी जीरो वन के बीच में क्या आंसर अलग अलग आएगा। तो जब आंसर एक्स पर डिपेंड कर जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते कि अभी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कहाँ होगा कहाँ नहीं, इसके लिए हमें लॉन्ग कट मेथड सीखने पड़ेंगे, ठीक है। हालांकि लॉन्ग कट मेथड डिटेल मेथड लगेंगे हर सवाल में, लेकिन शॉर्टकट से जो आपने सवाल निकाले, बहुत से निकाले, मैक्सिमम आप उससे ही निकाल दोगे, ऐसे सवालों का नंबर कम आएगा। एक्चुअली ऐसे सवाल जो है सीरीज में ज़्यादा आते हैं, अभी हम जब पढ़ेंगे ना कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। तो अगले वीडियो में बेटा हम लोग डिटेल्ड मेथड और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को देखेंगे। आपने जो सवाल किए हैं ये बहुत अच्छे हैं, सारे वीडियो पुराने देखिए, मन से पढ़िए, बड़ा आसान है, बहुत आसान तरीके से मैंने बताया, 10-12-15 सेकंड में मैक्सिमम एक सवाल निकाल दोगे। ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर जहाँ भी होंगे, और ये अगर आपके सिलेबस में है, सिलेबस अपना देख लेना, जो भी आपका सिलेबस है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि बहुत से एग्जाम होते हैं, कोई कोई तैयारी करता है, कोई कोई तैयारी करता है, अब सबका सिलेबस तो मुझे खुद याद नहीं रहता है, मैं बेटा जनरल पढ़ाऊँ कि देखो बच्चे कई बार कन्फ्यूज़ होते हैं, सर इस एग्ज़ाम का पढ़ा दीजिए। अरे भाई मेरे, अगर तुम्हारे एग्जाम में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, सिलेबस देखो अपना, तो ये आएगा, बात खत्म हो गई। चाहे तुम्हारा एग्ज़ाम कोई भी हो, यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, ये एससी हो, वो एससी हो, कोई भी एससी हो, कोई भी एमएससी हो, अगर तुम्हारे सिलेबस में कोई भी ये टॉपिक है सिलेबस में, तो ये तुम्हारे में जो है वो ज़रूर आएगा, ठीक है, कन्फर्म बात है भाई। अपना सिलेबस देखो, टॉपिक को पढ़ो आप एग्ज़ाम के, अरे भाई अब नेट एग्ज़ाम के अगर ये सिलेबस में है और किसी और सिलेबस में है, तो ऑलमोस्ट सब जगह क्वेश्चन सेम ही आते हैं अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं तो, है ना। कोई भी टॉपिक हो अगर आपके सिलेबस में है, भाई पहले तो आप उस टॉपिक को सीखोगे ना। ऐसे मान लो ग्रुप थ्योरी किसी भी सिलेबस में है, चाहे पेपर ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे तुम्हारा बीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे तुम्हारा कोई भी कंपटीशन हो, है ना। तो अगर ग्रुप थ्योरी सिलेबस में है तो पहले मालूम करना पड़ेगा ना भैया ग्रुप क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी थ्योरम क्या है, तब आगे सब एग्जाम की तैयारी करोगे ना। ये थोड़ी मैं तुम्हें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा तुम्हारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। कई लोग इंटरनेट पे ऐसे ही, मतलब यूट्यूब पे ऐसे ही पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आइए आइए उसकी तैयारी तैयारी खेलते हैं, फलाने एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसकी धमाके एग्जाम की तैयारी करते हैं, नए नए एग्जाम ले आते हैं, आइए इसकी तैयारी करते हैं, देखो ये सवाल फलाने उसमें आया 2010 में आया, चुटकियों में सॉल्व हो गया, ये सवाल देखो 2013, अरे भैया जो सवाल आ गया सो आ गया। डेप्थ तो पढ़ाओ बच्चे को, वो 4-10 सवाल करके बच्चा थोड़ी एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा, और बच्चे उनके चक्करों में फंस जाते हैं, मोटी फीस दे देते हैं कि हाँ यार ये टीचर खतरनाक देखो लग रहा है, क्या सवाल इसने कराए, 5 सवाल करा दिए जो पिछले एग्जाम में आ चुका है, थ्योरी तो पढ़ाई नहीं यार, डिटेल तो समझाया नहीं यार, वही सवाल फिर घुमा के आ जाएगा, तुम कहाँ से कर लोगे उसको, वही थोड़ी आना है, अब कुछ नया आएगा ना, वो फिर से कुछ चेंज होके आएगा, तो कहाँ से कर लोगे। तो पहले तो भाई मेरे सब्जेक्ट को सीखो, उसके बाद सोचो एग्जाम क्या है उसका, मतलब पहले तो अपना सिलेबस देखो तुम्हें जिस भी एग्जाम की तैयारी करनी है, उसके बाद ये देखो हमारे सिलेबस में ये है तो ये हमें डेप्थ में पढ़ना है, अब फिर देखो उसका पेपर पैटर्न क्या है, ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है क्या है, ठीक है। वरना क्या होगा, हर सवाल की एक अलग थ्योरी। चलिए कर बच्चों, हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, अब हम लोग अगले क्लास से इनके डिटेल मेथड सीखेंगे, टेंशन नहीं करना, सब होगा, अच्छे से होगा, ठीक है, मन से पढ़ते रहो, ठीक है बच्चों, चलिए कर, बाय बाय।